हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे वीडियो को वायरल कैसे करें, या शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो को वायरल कैसे करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको हम प्रूफ दिखा देते हैं कैसे वीडियो वायरल करते हैं, हमारा वीडियो कैसे वायरल हुआ है। YT स्टूडियो को ओपन कर लें। इस तरह से ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस इसका दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 111, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 200। इस तरह से वीडियो हमने डाला था, यहाँ पर वायरल हुआ है एक दिन में, दो दिन में। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे वीडियो वायरल करते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से दिखाई देने के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको प्लस का साइन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दें। इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट या शॉर्ट पर नहीं क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करना है। आप बहुत लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, क्रिएट ए शॉर्ट पर क्लिक करके वीडियो को अपलोड कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करके आपको वीडियो को अपलोड करना है, जैसे इस तरह से दिखाई दे रहा है। इस तरह से अपलोड करेंगे तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से दिखाई देने के बाद आपको यहाँ पर टाइटल में, यहाँ पर जो कोई भी आप टाइटल देना चाहते हैं यहाँ पर दे दें, या फिर इसको छोड़ दें। यहाँ पर छोड़ देंगे तो आपको यहीं से सीधा पोस्ट कर देना है, पब्लिक नहीं करना। आपको अनलिस्टेड पर यहाँ पर पोस्ट कर देना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पोस्ट हो जाने के बाद क्या होगा। चलिए सबसे पहले आपको YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। यहाँ से आप YT स्टूडियो को ओपन कर लें। ओपन कर लेने के बाद आपको कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो दिखाई देगा। आपने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था हमने, जैसे यहाँ पर हम शॉर्ट वीडियो को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर साइड में दिखाई दे रहा है, उसको ओपन कर लें, उस पर क्लिक के उसके बाद आपको यहाँ पर पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइटल डाल देना है, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक टाइटल दे देते हैं, इस पहले इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर एक टाइटल दे देना है, जैसे आपका वीडियो जिस भी टॉपिक पर है उसी टॉपिक पर यहाँ पर टैग में या डिस्क्रिप्शन में वही आप डालना है। जैसे यहाँ पर टाइटल में वही वर्ड डालेंगे जो आपका वीडियो है, जैसे हमारा वीडियो हाउ टू वायरल वीडियो ए यूट्यूब, इस तरह से हम डाल दिए। इसके उसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको इसको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इसका इस तरह से पेस्ट कर दें। आपको ध्यान रखें डिस्क्रिप्शन में वही आप सबको डालना है, जैसे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट हो गया, उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट कोई भी यहाँ पर हो गया, या फिर दूसरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, आपको इसी प्रकार से यहाँ पर करना है। ना कि आप टैग डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर डालेंगे नहीं। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑडियंस। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद बैक कर देंगे। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर टैग कैटेगरी में आ जाना है, जैसे यहाँ पर मोर फंक्शन पर ऑप्शन पर, उसके बाद यहाँ पर टैग, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये कैटेगरी है, आप जिस भी कैटेगरी का वीडियो है यहाँ पर अपलोड कर दें, इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको टैग में यहाँ पर डालना है, जैसे हाउ टू ए वायरल वीडियो, जैसे हम यहाँ पर हमारा वीडियो जो भी कैटेगरी का है उसी प्रकार से यहाँ पर टैग में डालेंगे। तीन चार प्रकार के यहाँ पर टैग इसी प्रकार से डाल देना है, इस प्रकार से। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ से आपको सेव कर लेना है, अभी भी यहाँ पर पब्लिश नहीं करना है। उसके बाद आपको बैक फिर से आ जाना है। उसके बाद फिर से पेंसिल का आइकन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ से इस वीडियो को पब्लिश कर देना है, अनलिस्टेड को हटा देना है। पब्लिक को सेलेक्ट कर, पब्लिक को सेलेक्ट करके उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ से आप सेव कर दें। सेव करने के बाद वीडियो को बैक कर दें। बैक करने के बाद वीडियो को छोड़ दें, उसी प्रकार से रहने दें। आपका वीडियो 4-5 घंटे बाद देखेंगे तो रन करने लगेगा, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। चैनल में पहली बार आएँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपका कैसा लगा।